मोदी सरकार के कार्यकाल पर सीएम अशोक गहलोत ने बयान दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि आर्थिक मोर्चे पर 6 साल में भारी गलतियां की गई। हम अभी भी नहीं देख पा रहे कि सरकार कैसे अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करेगी, कैसे रोजगार प्रदान करेगी, उन लोगों की देखभाल कैसे करेगी जिनके पास ना तो पैसा है और ना ही रोजगार। यूपीए के तहत एक संपन्न अर्थव्यवस्था पूरी तरह से एनडीए द्वारा नष्ट की गई है। पिछले 6 वर्षों को भारतीय इतिहास में उन कालखंडों में से एक के रूप में याद किया जाएगा जब लोगों को सबसे अधिक असहनीय कष्टों का सामना करना पड़ा था। वहीं मोदी 2.0 को उस समय के रूप में भी याद किया जाएगा जब लाखों पीपीएल ने सब कुछ खो दिया था और लॉकडाउन के दौरान असहनीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। पीपीएल की पीड़ा के लिए सरकार एक मूक दर्शक बनी रही। वहीं मोदी जी के अंतर्गत एक समावेशी समाज के रूप में भारत के लोकतांत्रिक उदारवादी लोकाचार पूरी तरह से कम कर दिए गए हैं।